हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे जाते हैं। हमने अभी आगे के वीडियो में देखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसमें फोर टाइप के मैट्रिक्स हमने उसके बारे में देखा आपने, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का है स्कैरल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्कैरल मैट्रिक्स। अब स्केल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है पहले, तो ए इज इक्वल टू, अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही लिखना है, सपोज 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ और स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स में सभी जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। इसे मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा लिखा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बाकी के सब तो जीरो ही होते। इसका एक दूसरा भी हम सम ले सकते हैं, सपोज -1 0 0 -1, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हुआ। और भी आप उसका सम ले सकते हैं, सपोज 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स हुआ। ओके, यानी कि डायगोनल, ये जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ नंबर का है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों की बात में थोड़ा डिफरेंट है। ये स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बोला था, ये सभी एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी 5 5 हो सकते हैं, 7 7 हो सकते हैं, या तो 5 1/2 1/2 1/2 होते, कोई भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे उसका एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो डायगोनल होगा वो ओनली 1 1 1 ही होगा और कोई रियल नंबर नहीं होगा, ओनली 1 1 ही होगा, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लिखा है, A i j इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j, यानी कि a11, a22, a33, a44, a55, इसकी सभी को जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? 1 1 होगी। और a12, a13 वो सभी की वैल्यू कैसी होगी? 0 0 होगी। हमारे सिलेबस के अंदर दो टाइप के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक i2 का मीनिंग होता है 2 by i3 लिखा है अभी तो मैंने, सॉरी ये i3 है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, और i2 यानी 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। i3 दैट इज 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i2 यानी 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर दिखना डायगोनल 1 1 होगा, डायगोनल 1 1, बाकी के सारे एलिमेंट 0 होंगे, यानी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना स्केलर मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते नहीं हो। ध्यान रखना स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो। ओके, ध्यान रखना उसके बारे में जो भी, अब इससे भी थोड़े ज़्यादा आपको सम देखने हो तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत अच्छा सा इन्होंने नोटेट किया है। और एक लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल लॉजिक है, जीरो मैट्रिक्स यानी सब भी एलिमेंट 0 0 ही होंगे। सपोज ए इज इक्वल टू ये 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हुआ। अब जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल ओ। कैपिटल ओ का मीनिंग होगा जीरो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ओ इज इक्वल टू ओनली 1 by 1 का भी आप जीरो लिख सकते हो,
जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है, ये सभी जीरो मैट्रिक्स हुआ, यानी कि सम के अकॉर्डिंग आप जीरो मैट्रिक्स बना सकते हो। यहाँ तक हमने जो भी थियरी की आपसे बात की है वो आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना, अच्छे अच्छी तरह से समझ लेना, दो बार वीडियो देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। इसके साथ अब हम जब क्लासरूम के अंदर पढ़ते थे तो हमको याद है कि हम दो टाइप प्रकार दो बार लिखते थे, एक बार हम क्लासवर्क के चौपड़े में लिखते थे और दूसरा था वो होमवर्क में लिखते थे। इसी तरह आपको भी इधर ही यहाँ भी आपको यही काम करना है। यहाँ मैंने जो भी ये कागज़ है वो पेपर के अंदर जो भी लिखा है वो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके पर से आपको पहले तो चौपड़े के अंदर जो सभी जो कागज़ में जो लिखा है वो आपको एक बार लिख डालना है। उसके बाद लिख लिए उसके बाद एक चौपड़ा जो भी आपका उसके अंदर लिखो, उसके बाद पहला वीडियो देखो, वीडियो वन देखते जाओ और चौपड़े में आपने क्या लिखा है, मैंने क्या भेजा है, उसके साथ उसकी कंपेयर करो और धीरे धीरे आप वीडियो को आगे देखना। ओके, मैंने ये यहाँ तक जितनी भी बातें की है वो सब एक्सरसाइज 3.1 के लिए ही बातें की है। अभी चैप्टर के अंदर बहुत सारी थियरी बाकी है, बहुत सारे पॉइंट बाकी है, पहले हमें एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लें। दूसरी बात, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी एनसीईआरटी की या गुजरात बोर्ड की, उसमें से भी आप रीड कर सकते हो। यदि आपके पास नहीं है तो आप आपके फ्रेंड्स के द्वारा भी मंगा सकते हो, या तो आप प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। दूसरी एक बात, यहाँ से आपको नवकार इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो भी वीडियो मिलते हैं वो वीडियो हमारे स्टूडेंट तक ही रहने चाहिए, उसको आगे शेयर करना नहीं है, ध्यान रखना। ये मेरे मैथ्स के जो वीडियो है सिर्फ न सिर्फ नवकार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंटों के लिए ही है, उसको आपको आगे शेयर करना नहीं है, ध्यान रखना, बराबर। ओके।